गुड मॉर्निंग किड्स वेलकम टू ईवीएस क्लास सो स्टूडेंट्स अभी हमने आर्किटेक्ट इसके फंक्शन इसका जो भी काम होता है वो हमने देखा टूल्स के बारे में देखा देन नेक्स्ट और क्या देखा था हमने मैसन के बारे में ठीक है मैसन देन मेटल वर्कर मेटल वर्कर क्या काम करते हैं ये भी पता है हमें का पेंटर का क्या काम होता है उसकी उनके क्या क्या टूल्स होते हैं उसके बारे में जाना हमने देन इलेक्ट्रीशियन ये भी हमारे घर में बहुत ही ज़रूरी है इनके बारे में भी हमने जाना और इनके कौन कौन से टूल्स होते हैं उसको भी देखा हमने ठीक है ना आज हम देखने वाले हैं प्लम्बर अब प्लम्बर क्या होता है हमारे घर में पानी कहाँ से आता है पानी का सप्लाई कैसे होता है कनेक्शन कौन करता है तो ये सब काम कौन करता है बेटा प्लम्बर करता है जो पानी का काम करते हैं हमारे घरों में पाइप नली वगैरह को कनेक्ट करते हैं ये सब काम किसका होता है प्लम्बर का होता है प्लम्बर्स फिक्स एंड कनेक्ट वाटर पाइप्स एंड ड्रेनेज इन बिल्डिंग्स दे एनश्योर दैट वाटर कम्स इन टू आर किचन एंड बाथरूम टैब्स एंड दैट वेस्ट वाटर कैन सेफली ड्रेन अवे तो ये सारे काम कौन करता है प्लम्बर करता है कि जैसे हम टैब ओपन करें और पानी आना शुरू हो जाता है ठीक है और जो खराब पानी रहता है वेस्ट वाटर रहता है उसको भी अच्छे से सेफली से, वो बाहर की तरफ ड्रेन कर देते हैं ताकि वो बाहर चला जाए पानी ओके ना प्लम्बर्स अब क्या प्लम्बर्स क्या क्या यूज़ करते हैं देखो पाइप रेंच है पाइप रेंच क्या होता है पाइप रेंच इज़ यूज फॉर टर्निंग सॉफ्ट आयन पाइप्स एंड फिटिंग विथ अ राउंडेड सरफेस ठीक है तो जो राउंड सरफेस रहती है जिसको ऐसे सर्कल कर कर के हम उसको घुमाते हैं उसको फिट करने के काम आती है ये ठीक है एंड टर्निंग सॉफ्ट आयरन पाइप्स को ठीक है आपने देखा होगा ऐसे कुछ रख के और फिर उसको हमको ऐसे टाइट करना होता है ठीक है तो उसमें इसका यूज़ होता है कभी प्लम्बर को काम करते हुए देखा होगा आपने तो ये इक्विपमेंट ये जो टूल्स है आपने देखा होगा नेक्स्ट है पाइप कटर अब पाइप कटर क्या काम करता है जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पाइप कटर जो भी पाइप रहेगा उसको कट करने का काम करेगा ये ठीक है नाउ प्लम्बिंग लेवल अब प्लम्बिंग लेवल क्या है तो ये पता है क्या लेवल को बताता है कि कहाँ पे हॉरिजॉन्टल है कहाँ वर्टिकल है पाइपलाइन कैसे जा रही है तो ये सारी चीज़ें मीन्स मेजरमेंट का काम ये करता है जैसे कि लेवल हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखा था क्या देखा था इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा था ना हमने मैसन में देखा था बेटा ठीक है मैसन में देखा था और इलेक्ट्रिसिटी में तो वोल्टेज वगैरह मेज़र करने के लिए देखा था हमने यहाँ पर देखो लेवल इसमें भी देखा था हमने तो वैसे ये भी क्या करता है पाइप पानी जो है वो कैसे हॉरिजेंटल वर्टिकल ये सब इसमें मेज़र किया जाता है देन नेक्स्ट है स्पैनर स्पैनर क्या करता है ये बोल्ट यानी कि जो उसके बोल्ट वगैरह रहते हैं उसको टाइट और लूज़ करने के काम आता है ये दिख रहा है इसमें ऐसे फंसाते हैं और उसको टाइट और लूज जो भी है वो करते हैं हम ठीक है तो इस तरह प्लम्बर जो होते हैं हमारे घर में हमारा पा पाइपलाइन जो होती है उसका काम करते हैं तो हमने किसके किसके बारे में देखा हमने सबसे पहले आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट घर का मैप बनाते हैं देन मेसन ब्रिक्स और उससे हमारी वॉल बनाते हैं फिर मेटल का जो काम करते हैं वो उसके घर के हमारे घर के लिए मेटल बोन यानी कि स्केल्टन बनाते हैं उसके बाद और क्या देखा हमने फिर हमने देखा कारपेंटर जो फर्नीचर का काम करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी नीडेड होती है घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम फिर लम्बर तो ये सब एक बिल्डिंग को एक घर को बनने के लिए इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ठीक है कोई एक है क्या जो घर का काम कंप्लीट कर देगा नहीं तो इन सभी के कॉन्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है हमें एक घर को एक बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए ओके कम टू द पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्स एक्टिविटी टू अब ये एक्टिविटी बेटा आपको करनी है ठीक है कम टू द एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस ओके एक घर बनाने में किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है मेसन की ज़रूरत होती है आर्किटेक्ट की, की होती है बेकर की होती है क्या बेकर की जो बैक करता है उसकी होती है क्या नहीं घर बनाने में बेकर की क्या ज़रूरत है तो हम यहाँ पे लगाएंगे राइट ओके नेक्स्ट है द पर्सन हु लेज़ ब्रिक्स फॉर अ बिल्डिंग इज अब जो पर्सन बिल्डिंग के लिए जो ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं ठीक है तो कौन करेगा प्लम्बर करेगा इलेक्ट्रिशियन करेगा या मेसन करेगा मेसन करेगा अब मेटल वर्कर वर्क्स विथ सिल्वर एंड गोल्ड सिल्वर और गोल्ड के साथ वर्क करते हैं वो वुड एंड प्लास्टिक के साथ वर्क करते हैं या फिर आयन एंड स्टील किसके बने होते हैं हमारे जो भी मेटल बन बेटा जो मेटल वर्कर रहते हैं वो किसके साथ काम करते हैं किसके साथ मीन्स किस किस पे वर्क करते हैं गोल्ड पे करेंगे क्या गोल्ड के बने होते हैं क्या हमारे घर में जो मेटल बॉडी रहती है वो गो, गोल्ड की होती है प्लास्टिक की होती है नहीं किसकी होती है आयरन आयन और स्टील की होती है ओके नेक्स्ट है अ वेल्डिंग मशीन कैन मेल्ट क्या कर सकती है किसको मेल्ट कर सकती है मेटल अब वेल्डिंग मशीन क्या करेगी वेल्डिंग मशीन किसको मेल्ट करेगी मेटल को या बटर को या फेविकोल को ऑब्वियस सी बात है मेटल को करेगी ठीक है मेटल एंड स्टिक टू मेटल्स टुगेदर और दो मेटल्स को आपस में जोड़ देती है एंड इलेक्ट्रीशियन कनेक्ट्स डैश टू अ बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन क्या कनेक्ट करता है वाटर या इलेक्ट्रिसिटी या रोड क्या इलेक्ट्रिसिटी ठीक है नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड बाय द आर्किटेक्ट टू मेजर द एरिया ऑन पेपर किसका यूज करते हैं स्केल ठीक है किसका यूज करेंगे आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट स्केल का यूज करेंगे ओके okay. नेक्स्ट है डैश इज यूज बाय अ मेसन टू स्मूथ ड्रॉन द सीमेंट किसका यूज करते हैं हम उसको वो सीमेंट को उठा के और फर्श पर डालने के लिए ब्रिक्स पे हम किसका यूज़ करते हैं हम ट्रोवेल का यूज़ करते हैं ठीक है नाउ हम इन द सेंस मिसन ओके और डैश इज़ यूज बाय द कारपेंटर टू स्मूद इन वुड लकड़ी को स्मूथ करने के लिए सॉफ्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम स्मूदी प्लान का ठीक है नाउ अ डैश इज़ यूज बाय एन इलेक्ट्रीशियन टू मेज़र वोल्टेज येस मल्टीमीटर ठीक है है ये तो पता ही है आपको नाउ अ डैश इज यूज बाय अ प्लम्बर टू कट द पाइप किससे करेंगे हम पाइप कटर से करेंगे ओके नाउ नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स आर्किटेक्ट ब्रिक्स टू मेक अ बिल्डिंग आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट करता है क्या आर्किटेक्ट करता है ब्रिक्स और बिल्डिंग का काम नहीं ये कौन करता है ये मेसन करता है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स नेक्स्ट है द मेसन कैन फिक्स ऑल द लीक लिकिंग पाइप्स लिकिंग जो पाइप्स होती है वो मेसन ठीक करता है क्या मेसन फिक, फिक्स करता है नहीं कौन करता है प्लम्बर तो ये भी फॉल्स हो गया नेक्स्ट है द मेटल वर्कर कैन मेक द गेट ऑफ अ बिल्डिंग ये बिल्डिंग बनाते, है बनाते, है yes, बनाते हैं क्या सॉरी बिल्डिंग का गेट बनाते हैं क्या मेटल वर्कर यस विंडोज और गेट ये लोग बनाते हैं दैट इज ट्रू नाउ वी नीड टू कॉल अ कारपेंटर इफ़ द थिंग्स ऑफ आर कबोर्ड कबर्ड गेट स्टक किस को हम अगर हमारा कबर्ड जो है वो ऐसे फंसने लगता है या तो आपको कभी ओपन नहीं होता है या फिर आवाज़ करता है तो उस टाइमिंग पर हम किसको कॉल करते हैं किसको बुलाते हैं कारपेंटर को बुलाते हैं क्या येस ट्रू ना वी शुड कैन वी शुड कॉल एन इलेक्ट्रिशियन इफ द फैन इज़ नॉट वर्किंग फैन अगर वर्क नहीं कर रहा है तो किसको कॉल करेंगे हम इलेक्ट्रिशियन को ट्रू नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर ना फर्स्ट वन वट आर द टूल्स यूज बाई आर्किटेक्ट हाउ आर डज टूल्स यूजफुल तो आर्किटेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था जो कि मैपिंग करते हैं ठीक है तो उनके क्या क्या टूल्स होते हैं तो अब शॉर्टली देख लेते किल ट्रेसिंग पेपर और क्या होता है एडजस्टेबल ट्राइंगल एंड कंपास ये होते हैं इनके टूल्स जिनसे ये वर्क करते हैं अब एंड आर्कीटेक्ट यूज़ मैनी टूल्स विच हेल्प दैम टू मेक द डिज़ाइन एज एक्यूरेट एज पॉसिबल बिफोर अ बिल्डिंग इज़ बिल्ट तो ये सब एक एक्ूरेसी के लिए ये सब एक्यूरेट कैसी बिल्डिंग बनेगी कैसा क्या कंस्ट्रक्शन होगा ये सब हेल्पफुल कर मतलब यूज़फुल ये काम तो ये सारे टूल्स ये काम करते हैं वो परफेक्ट बताते हैं कि इससे ये होगा और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी जो भी है वो सब बताते हैं ठीक है नेक्स्ट है हु इज़ अ मेसन विच टूल्स डज ही यूज अब मेसन कौन होते हैं मेसन जो है मेसन वर्क्स विथ ब्रिक्स एंड स्टोन्स ठीक है जो घर बनाने का काम करते हैं उनको हम मेसन बोलते हैं ना अब इनके भी टूल्स कौन कौन से हो, टूल्स होते हैं हमने पढ़े हैं ट्रोवेल्स और क्या होता है ट्रोवल्स और लेवल्स shovels एंड हैमर्स इसके बारे में पढ़ा है हमने नाउ नेक्स्ट है वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल वर्कर इन कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग में इनका क्या वर्क रहता है ये पूरी एक बॉडी बनाते हैं हमारे घर के लिए ठीक है एक स्केल्टन प्रिपेयर करते हैं जिससे ये लोग आयन और स्टील से क्या करते हैं एक बॉडी यानी कि स्केल्टन प्रिपेयर करते हैं जो कि बिल्डिंग के लिए बहुत ही जरूरी रहता है तो जितना अच्छा वो बॉडी रहेगा स्केलेटन यानी कि जितना अच्छा आयरन और स्टील का यूज़ ये करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारी बिल्डिंग के लिए वो उतना वज़न जो है वेट है वो उतना बियर कर पाएगा ओके okay. नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन जॉब्स ऑफ कारपेंटर एंड प्लम्बर कारपेंटर फर्नीचर का काम करते हैं और प्लम्बर जो है पानी और पा, फ, आ, पाइप फिटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं ठीक है न नेक्स्ट है वॉट आर द मेन जॉब ऑफ एन इलेक्ट्रिशियन वेन अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड तो इलेक्ट्रिशियन uh, की क्या जॉब होती है तो इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं हमारी घरों में हमारी बिल्डिंग्स में क्या करते हैं लाइट uh, को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं ओके नेक्स्ट है वन फाइंड मॉर्निंग यू फाइंड योर ड्रेन चौक हू डू यू थिंक कैन हेल्प यू ठीक है अब क्या है हमारे जो ड्रेन वाला जहाँ से पानी निकलता है जाता है बाहर वो क्या हो गया है ख़राब हो गया है चौकड हो गया है मतलब नहीं जा पा रहा है पानी तो उस कंडीशन में आप किसको कॉल करोगे किसको बुलाओगे तो हम प्लम्बर को बुलाएंगे ठीक है जो ये नल पानी इससे रिलेटेड वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लम्बर नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्रू ड्राइवर एंड मल्टीमीटर अब स्क्रू ड्राइवर क्या होता है ये स्क्रू ड्राइवर क्या करता है आ, टाइट स्क्रूज़ को स्क्रू जो होते हैं उसको लूज़ और टाइट करता है जबकि मल्टीमीटर क्या करता है ये मेज़र करता है वोल्टेज ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है ठीक है तो ये मल्टीमीटर वोल्टेज को मेज़र करने के काम आता है तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आपको हार्ड वर्ड्स नहीं लिखने हैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर लिखने हैं नोटबुक में ठीक है जो मैम आपको प्रोवाइड कर देंगी ओके अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चल बाय एंड -बा� टेक केयर